अरे यार, रमजान का महीना भी आ रहा है, देखते गार्डन में घूमते, थोड़ा कुछ सोचते। कुछ सूझ रहा भी नहीं है यार, हवा चल रही यार। यो यो पठान मेरी जान, मैं तुझ पे ही कुर्बान हो जाऊं। अबे शैतान खड़ा हुआ है क्या बे? अबे मावे पीछे से आगे क्या टपली दे रहा है, आगे से बात करना। अबे तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? अबे मावे खींच रहे क्या मेरी? अबे मैं खींच रहा हूँ, जिसको दुनिया ने खींची वो उसकी मैं मजे लूंगा। अच्छा बता क्या हुआ, क्या इतना टेंशन में क्यों है? अरे मावे अभी रमजान आ रहा है, क्या करूँ, सोच समझ नहीं आ रहा यार। अबे रमजान तेरे लिए नहीं है, सबके लिए, ऊपर वाला बडेला है ना, समझा, वो पूरा हल करेगा। भाई रमजान आया तो मतलब क्या, रमजान में तो खर्चा होता ही रहता है। अबे रमजान आ रहा है वो बात तेरी सही है, पर जितना तू खर्चा करे ना उससे ज्यादा तेरे को अल्लाह देगा, समझा, तू नहीं समझता ये सब बात, और इबादत कर, बहुत मिलेगा, अल्लाह देगा। अरे यार मावे भाई यार, तुम खाली फोड़ मजा ले रहे, मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ। तू देख अभी जा मत, और एकदम अच्छे से रे, देख ऊपर वाला करे, और जरा भी टेंशन मत लेना, समझा। अरे मावे ने भी बैठे बैठे टाइम पास करवा दिया यार, जाता हूँ गार्डन से बाहर निकलता हूँ। अरे राका क्या कर रहा है इधर? राका हाय यस भाई, क्या कर रहा है इधर? अरे भाई सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राका भाई इधर क्या कर रहे हो इतनी घने जंगलों में तुम? अरे भाई टेंशन में हो भाई मैं। क्यों क्या हो गया, काय का टेंशन हो गया यार? भाई रमजान आ रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमजान आ रहा है तो भाई अच्छी बात है ना, बरकतों का महीना है भाई यार, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर? भाई रमजान आया तो क्या बात है भाई, भाई मैंने क्या इतना खर्चा होता है उसमें, क्या पैसा पानी की तरह जाता है, शॉपिंग कराओ ये कराओ फ्रूट लेके आओ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो क्या हुआ भाई, टेंशन नहीं लेने का, अल्लाह है ना, रमजान अल्लाह का है, और अल्लाह रमजान में बरकतें नाजिल करता है, अपने बंदों को हर तरीके से ख्याल रखता है, बस तुम अल्लाह की इबादत करो रमजान में। वैसे इबादत तो साल के 12 महीना करना चाहिए, लेकिन रमजान खास महीना इबादतों का। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अच्छे अच्छे काम करो, ज़कात निकालो, तो अल्लाह खुद ब खुद सही परेशानी तुम्हारी दूर कर देगा, काम भी अच्छा मिलेगा तुमको, और किसी चीज का टेंशन नहीं होगा, सारे काम तुम्हारे कंप्लीट होंगे तुम्हारे घर के, समझे भाई? अरे रियाज भाई रमजान पे तो पूरा भरोसा है भाई मेरे को, अल्लाह पे भी बहुत भरोसा है, क्योंकि देखिए रमजान में कुछ अच्छा अच्छा तो होना चाहिए मेरे साथ, इतना सोचा हूँ मैं। मैंने देखो अभी ऊपर वाले की मर्जी होगा भाई, अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो तुम। राका भाई काम धंधा है क्या नहीं कुछ तुम्हारे पास? नहीं है भाई काम धंधा कुछ भी नहीं है मेरे पास। राका भाई तुम काम धंधा क्या करना जानते हो, क्या काम करना आता है तुम्हारे को? भाई काम धंधे का टेंशन तो नहीं है, ऐसा तो बहुत काम आता है मेरे को, सबसे ज्यादा मैं ऑटो जो रहती ना ऑटो में ज्यादा चलाता हूँ। अच्छा ठीक है राका भाई, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे काम धंधे का हो जाएगा, मैं एक घंटे में तुमको कॉल करूंगा, तुम आ जाना ठीक है? ओके भाई ओके, जाओ टेंशन मत लो सब, अल्लाह है ना। हाँ रफीक मामा किधर है? हाँ कौन बोल रहा है? रियाज बोल रहा हूँ। हाँ रियाज भाई किधर है? हाँ भाई गार्डन में बैठा हूँ, झाड़ के नीचे जहाँ पे अपन मिले थे ना, राइट मारे थे राइट। हाँ बस वही। हाँ चल ठीक है, रुक वहीं पर ही जा मत, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ओके चल ठीक है। गार्डन में तो आ गया यार, किधर है ये? चलो आगे देखते कहाँ कहाँ ढूंढा, और ये यहाँ पर बैठा है। ए रफीक मामा आ रियाज भाई, क्या बड़े आराम से बैठे एकदम झाड़ के नीचे यार। अच्छा सुनो ना, मेरे को ना तुम्हारे से एक काम है यार। बोलो। तो ये अपना राका नहीं है क्या? हाँ अपना जो दोस्त है। हाँ वो बहुत परेशान है, और कल से रमजान स्टार्ट होने वाला है, तो वही मैं इसके लिए आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे से बात करने को, और राका के बारे में मेरे को। हाँ भाई वो मेरे को भी मिला था बेचारा, बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा उसका चेहरा बता रहा था, अपन बताया कुछ नहीं उसने यार भाई। हाँ मेरे को भी मिला था भाई वो अभी, वो तो मुझे सब कुछ बताया उसने कि कल से रमजान स्टार्ट हो रहा है और काम धंधा है नहीं, तो वही मैं उसको पूछा तुम काम क्या करना जानते हो, तो बोला कि मैं ऑटो रिक्शा का ड्राइवर और ऑटो बहुत अच्छा चलाता हूँ। तो मुझे अचानक से दिमाग में मेरे क्लिक हुआ कि तुम्हारे पास ऑटो रिक्शा है और ऐसी खड़ी हुई है, तुम्हारे पास कोई ड्राइवर भी नहीं है, तो तुम क्या बोलते, बोलो अगर कोई ड्राइवर नहीं तो उसको दे दो तुम, बेचारा का रमजान अच्छा निकल जाएगा। हाँ तो रियाज से बात सुनो ना, मेरे पास तो ऑटो खड़ी हुई है, और वैसे भी मैं कोई ड्राइवर ढूंढ रहा था, कोई दूसरे को देने से अच्छा अपने दोस्त को देंगे तो अच्छा रहेगा ना। हाँ पैसा वो भी कमाएगा, दो पैसा अपन भी कमाएंगे। सही बात है, और नहीं देखो तो मैं राका को बोल देता हूँ मावा भाई कि वो आके आपसे मिल ले और आपसे गाड़ी ले ले, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, मैं उसको फोन करके आपके पास भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ किधर है तू? अरे भाई गार्डन में हूँ। हाँ तो एक काम करना, ये अपना रफीक मामा से जाके मिल लो, फुहारे के पास बैठा हुआ है वो, तेरे काम का इंतजाम हो गया है। हाँ रफीक मामा। हाँ मैं मिल लेता। अरे ये मावा किधर है यार? वहां लेटे ले। ओ मावा भाई। देख क्या है बे,
हाँ बोल क्या हुआ। अरे भाई वो रियाज भाई बोले थे कुछ रिक्शे के लिए तुम्हारे को। हाँ बात तो मेरे को रियाज भाई ने बताए थे, तू बैठ यहाँ पहले। हाँ मेरे को रियाज भाई ने बोले थे रिक्शे के लिए। भाई खाली रिक्शा तो दे दो ना मुझे। अबे तो तू मेरे को बोल नहीं सकता था जब मिला था तो। भाई मेरे को क्या भाई आपके पास रिक्शा है। अरे रिक्शा तो मेरी खड़ी हुई ना, मैं भी नहीं चला रहा हूँ। तो तू एक काम कर, तू रिक्शा ले, मैं तेरे को चाबी देता हूँ, तू रिक्शा ले कल से चला, समझा। और अभी जाके उसको मतलब धुला उला देना, बहुत गंदी हो गई है, एक महीने से खड़ी हुई है। अच्छा हाँ ले चाबी ले, ले ले। और बातून देख मैं सबसे 400 रुपये लेता हूँ, तू 300 रुपये देना, समझा सिर्फ, ताकि अभी रमजान भी चले, तेरा भी तो खर्चा है फिर मेरा भी है। फुल चलाएगा कि हाफ सिर्फ चलाएगा। फुल फुल चल जा फिर। चलो मामा भाई शुक्रिया तुम्हारा, और रियाज भाई का भी शुक्रिया जो मेरे को मिला है रिक्शा विक्शा। चलो मिलता हूँ मैं कल से, दो के निकाल दो। हाँ सुनने रिक्शा विक्शा चला और अपने परिवार का ख्याल कर, समझा। कल से रमजान शुरू हो रहा है, समझा। और अभी चल दे यहाँ से, पका मत, मैं दिमाग बहुत खराब है, मेरे को सोने दे, चल जा। ओके भाई।